नमस्ते सर। नमस्ते विदीप्ता, कैसी हो? हम बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। गोल्डन टिकट जीतकर कैसा लगा, क्या किया आपने विदीप्ता? मैम, गोल्डन टिकट मिलने के बाद हमारे घर में एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट हुआ। सब रिलेटिव्स हमारे घर पे आए, एकदम पूरा फेस्टिवल जैसा माहौल था एकदम पूरा। और फिर हम लोग खाना पीना मज़ा करना, फिर हम लोग अंताक्षरी खेले। बट मैम, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छे से। क्यों? घर पे इतने सारे लोग थे कि हम मतलब सबकी फरमाइश पूरी करते करते सारा टाइम किचन में ही गुजर गया। तो आपने कुक किया सबके लिए? हमको बहुत मतलब खाना बनाना बहुत पसंद आता है, तो सबके लिए मतलब इतने सारे लोग थे कि चाचा के लिए समोसे, चाची के लिए प्याज के पकौड़े, फिर भैया के लिए लूची पूरी, ऐसे और भी बहुत सारे फरमाइश होती है। बट हम किचन से ही उनको कंपनी दे रहे थे, गुनगुना गुनगुना के किचन से हम खेल रहे थे तक चली सबके साथ। आपने जो बात कही प्याज के पकौड़ों की, वाह, बिल्कुल अलग ही मूड बन गया। हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा में हर एक साल हमारे घर में हम एक स्पेशल तरीके का हलवा बनाते हैं, तो आज हम वो आपके लिए लेके आए। तो हम लेके आए। हाँ जी, लाओ ना। वाओ, निकी और पूछ पूछ। विदीप्ता, ये आपकी मम्मा ने बनाया है? नहीं, ये हमने बनाया है। ओ, आपने बनाया है? यस मैम। वाह, ओ वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, कैसा है मैम? सच में तुमने बनाया? Yes. बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। रोको ना खुद को, रोको। मैं ये प्यारा सा शीरा जो देख रहा हूँ कि नेहू अभी ऑफर करेगी, अभी ऑफर करेगी। बाद मैंने तुम्हें देखा, तुम भी वहीं देख रही थी। यार, ये मैं डाइट फूड ना खाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऑफर, अभी ऑफर करना ही बंद कर दिया है लोगों ने। ऐसे कैसे चल सकता है? नहीं नहीं सर, आप खाइए ना प्लीज। नहीं नहीं, अब मैं क्या खाऊं, ये देने को तैयार ही नहीं है। देखिए, अरे मुझे अभी एक बाइट खाना है। इतना मीठा शीरा खा के अब जो मीठी आवाज आपकी सुनने में अलग ही मजा आने वाला है। नमस्ते, नमस्ते। वाओ, मुझे आज फिर सारी कुछ अमेजिंग सी दिख रही है, उसमें अगेन कुछ बहुत ही खूबसूरत काम दिख रहा है, कारीगरी दिख रही है। ये मम्मा जी ने बनाया आपकी? अगेन मम्मी ने बनाई है। जोरदार तालियां गाइस। और यहाँ गोल्डन टिकट भी है। ओह माय गॉड, आपकी मम्मा कितनी टैलेंटेड है। वाओ, थैंक यू। मम्मा आए आज? हाँ मम्मी आई है। आए हैं? आप कौन सी साड़ी पहनी है? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। वाओ, बहुत सुंदर लग रही हैं आज आप भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये साड़ी भी आपने किया है? हाँ, इसमें पैशन है मेरा। ये पैशन को आपने बिजनेस बनाया हुआ है कि नहीं?
हाँ सोच तो रही हूँ क्योंकि कमाओ ना पैसे कमाओ और पैसे कमाओ। मेरी बेटी बहुत मतलब जबरदस्ती कर रही है कि हाँ करना ही है। आपको इतने सालों से मेरे ही पीछे चला गया सब अपना पैशन अपना जो खुशी है सब भूल के मेरे पीछे चला गया। मत भूलो तो... पैसा पैसा मांगता है ना। जेन्युइनली मैम ये आपको करना चाहिए और मुझे लगता है आप बहुत तरक्की करेंगी इस चीज में। पूरे वर्ल्ड में लोग ये बाय करेंगे, ऐसी साड़ीज मैंने नहीं देखी है सच में। और मैं आपकी पहली कस्टमर बनूंगी। हाँ एकदम। मैं मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इंडियन आइडल के इस मंथ से मेरा बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा जो लोगो है उसको मैंने संचारी डिजाइन्स का नाम दिया है। मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, ब्यूटीफुल, क्या बात है। फर्स्ट आपके लिए ले आई हूँ। बनाई लेकिन वाह आप खोल के देखिए, खोल के देखिए। वहाँ हैशटैग नेहू प्रीत लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। पहनेंगी तो आपके पास रहेगा। बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। मैं जरूर पहनूंगी इसको। थैंक यू सो मच। मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपसे शुरू कर रही हूँ मेरा फर्स्ट ऑर्डर। संचारी डिजाइन जिंदाबाद। तो आप कोई ग्रेट तड़कता भड़कता सुरीला फैंटास्टिक गाना सुना दो। yes.
थैंक यू। अरे भैया पानी दे दो कोई इनको। पानी। हाय। क्या लेकर आई हैं आप? एक्चुअली यहाँ से मुझे गोल्डन टिकट मिलने के बाद मैं बहुत हैप्पी थी और अपने मम्मी पापा के साथ अपना टाइम गुजारना चाहती थी, तो मैं कोलकाता गई थी और वहाँ से मम्मी ने खास करके आपके लिए मुझे ये भेजा है। हाँ, उनको पता है नेहू बहुत खाऊ है। नहीं नहीं खाना नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली हमारे बंगाल में एक रीत है जो जिनका आपका हाल ही में अभी शादी हुआ है रोहन सर के साथ, तो वहाँ पे सुहागनों को सिंदूर लगाया जाता है नवरात्रि के टाइम पे, दोनों का सेहत के लिए, दोनों की खुशी के लिए। अरे वाह, प्लीज प्लीज मैं आपको थोड़ा लगाऊं? हाँ हाँ हाँ, शो शो। पहली बार ये रिचुअल किया है एक्चुअली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो रोहू के लिए और मेरे लिए प्यार भेजा आंटी जी ने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।